हाय, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट, इजी और अच्छी तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। मल्टीप्लिकेशन विथ फाइव। जब भी आपको 5 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करना हो तो उस संख्या में हमेशा 2 से डिवाइड करो। जैसे मान लो 484 मल्टीप्लाई 5, तो देखो इसका आधा कितना होगा, 242, और एक जीरो लगा दो। आगे से और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 348 मल्टीप्लाई 5, तो देखो इसका आधा कितना होगा, 174, और मल्टीप्लाई एक जीरो। उसके बाद जैसे अपन एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं। जैसे मान लो 416 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आधा कितना होगा, 208, और एक जीरो लगा दो। देखो सबसे पहले इसमें ये हो सकता है कि जीरो पर ने क्यों लगाया। देखो अपन 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 10/2। जैसे 484, तो देखो इसको करेंगे तो क्या होगा, वापस यही होगा, 484 मल्टीप्लाई 5। इसमें अपन दशमलव वाली संख्या भी कर सकते हैं, जैसे 345 मल्टीप्लाई 5, देखो इसका आधा कितना होगा, 17.5 मल्टीप्लाई कितना होगा, 10। देखो 10 जीरो से जीरो, तो अपना आंसर क्या होगा, 1725। इसी प्रकार से हम अपनी कैलकुलेशन को इजी और फास्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ 25। जब भी किसी भी संख्या में 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं और 2 जीरो बढ़ाते हैं। देखते हैं कैसे। ऐसे मान लो अपने को 284 मल्टीप्लाई 25, देखो 4 से डिवाइड करो कितना हुआ, 428, 4 × 4, और बाद में 20। वैसे ही अगर देखते हैं तो 138 मल्टीप्लाई 25, 4 × 3 = 12। उसके बाद देखो हासिल एक हो गई, 4 × 4 = 16, बचे कितने, 2, 4 × 5 = 20 पर मल्टीप्लाई 20 होगा, तो 10 से 0 आंसर क्या होगा, 3450। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 4832 मल्टीप्लाई 25, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 32, और 20। मतलब इस तरीके से हम अपनी मैक्स की कैलकुलेशन को इजी, फास्ट और अच्छी तरीके से और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन विथ 2 digit। दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे अपन कर सकते हैं। जैसे अपने पास मान लो 45 मल्टीप्लाई 32, इसका अगर अपने को मल्टीप्लाई करना है, या 34 मल्टीप्लाई 86, या 47 मल्टीप्लाई 42, इनका अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लास्ट इंटू लास्ट का मल्टीप्लाई करना। देखो 5 × 2, 2 × 5 कितना होगा, 10, कैरी कितना होगी, 1। उसके बाद देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 × 3 और 4 × 2, और इन दोनों का योग, और फिर हासिल भी जुड़ जाएगी। तो देखो 5 × 3 15, 4 × 2 8, 15 और 8 23, 23 × 1 24 × 4, हासिल कितना होगा, 2। उसके बाद देखो फर्स्ट इंटू फर्स्ट, तो 4 × 3
12 और 2 14, तो अपना आंसर क्या होगा 1440। अगर आगे की आगे भी अगर अपन देखते हैं तो 4 × 6 कितना होगा 24 2। उसके बाद देखो दोनों का मल्टीप्लाई 8 × 4 32, उसके बाद 6 × 3 18। देखो सबसे पहले अपने को इनको जोड़ना है, तो 8 × 4 32 32 और 6 × 3 18, तो देखो 32 और 18 कितना होगा, 32 और 18 अगर अपन जोड़ते हैं तो 50 50 और 2 52 की 2 हासिल कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद देखो 3 × 8 24 और 5 29 × 4। उसके बाद अगर लास्ट देखते हैं तो देखो 7 × 2 कितना होगा 7 × 2 14 केडी कितना होगा फर्स्ट। उसके बाद देखो 7 × 28 + 4 × 2 8, देखो 7 × 28 और 4 × 2 8 कितना होगा 36 36 और 1 37 30 7 हासिल कितनी होगी 3। उसके बाद देखो 4 × 4 16 और 3 1974, तो अपना आंसर क्या होगा 1974। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।